ये देखिए पंकज मिक्सचर लेके आए हैं, वो परसों कलकत्ता गए थे और कल रात को रिटर्न आ गए थे। तो ये मिक्सचर वहाँ से बहुत सारा लेके आए, वहाँ पे अच्छा मिक्सचर मिलता है, यहाँ पे असम में इतना अच्छा मिक्सचर नहीं मिलता है। जो मतलब ब्रांड वाला है वो सब तो अच्छा मिलता है, जो लोकल मेड इस टाइप का है वो बिल्कुल बेकार मिलता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब भी लाए हैं तब भी मतलब नुकसान ही हुआ है। मतलब कब कितने दिनों का होता है पता नहीं, कैसा अजीब स्मेल आता है, कोई ख़रीदता भी नहीं है क्या पता नहीं। तो ये सब वहाँ से लेके आए। आज संडे है तो कुछ नहीं बनाया है, मुढ़ी मिक्सचर, कुकुम्बर और ऑनियन है, सब लोग यही खाएंगे। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा आज का व्लॉग का टॉपिक क्या है। तो ये है गुवाहाटी का सबसे बड़ा जो वेजिटेबल मार्केट बोल सकते हैं, और सब कुछ खाने पीने का सामान यहाँ पे मिलता है, प्लांट्स मिलते हैं, कुछ आपका जो बेम्बो से बना हुआ आइटम्स होता है वो सब मिलता है, मसाले सारे मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और ये ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर के एरिया में फैले हुआ है रास्ते के दोनों साइड, यानी ये लेफ्ट साइड है, आते टाइम मैं राइट साइड दिखा दूंगी, ये हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, अकबर आपका ग्राइंडर और गैस का जो ठीक करने वाले होते हैं वो सब भी यहाँ पे बैठते हैं। तो बहुत ये हमारे घर से दूर है, बट यहाँ पे क्या है प्राइसेस सेम है, बड़ा मार्केट है बट मार्केट में जो प्राइस है यहाँ पे भी वही प्राइस है, बट यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत सारा चीज़ ऐसा भी देखने को मिलता है जो मतलब मैंने तो नहीं देखा है, उड़ीसा में नहीं मिलता है, कहीं पे मिलता होगा तो पता नहीं, बट मुझे लगता है नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत कुछ नया मिलता है। तो रास्ते के दोनों साइड में कपड़ा, बर्तन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चिकन, मटन, फिश, क्रैब यहाँ पे जो है वो बड़ा वाला जो क्रैब होता है ना, वो वाला क्रैब कभी नहीं खाया हमने, इसी सीज़न में बस जो छोटे वाले क्रैब होते हैं ना वो आते हैं। तो अभी हम लोग बस गाड़ी पार्क करके पास से ही थोड़ा बहुत लेंगे, हम पूरा हाफ किलोमीटर वॉक नहीं करेंगे क्योंकि गोलू वो है साथ में और धूप आज बहुत तेज़ हो रही है। तो इसके लिए बहुत सारे दुकान भी जो है आप देख रहे हैं वो ढका हुआ है या बंद है, इस टाइप का है, ज़्यादातर खुला ही है क्योंकि आज संडे है तो आज लोग काफ़ी आ रहे हैं इसके लिए। तो बट थोड़ा बहुत जो है वो फ्रूट्स वाले ये वाले जो है ना वो ढक के रखे हुए हैं क्योंकि फ्रूट्स ख़राब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये सब भी मिलता है जो फ्राइड आइटम्स है वो सब। तो ये देखिए हमको यहाँ पे क्रैब मिला है, ये जो जो खेत में होता है क्रैब छोटे वाले, ये वही क्रैब है, बड़े वाले नहीं है। तो बाकी भी बहुत कुछ स्नेल वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का लोग खाते हैं। और वो देखिए एक कीड़ा है कुछ जो कुछ मतलब कपड़े का सूता वगैरह बनता है ना वो सब कीड़ा है, वो सब भी यहाँ के लोग खाते हैं, तो वही ये जैसा लग रहा है। तो बस हम लोग थोड़े से फ्रूट्स और क्रैब, और यहाँ से हम लोगों ने को फिश लिया है, यहाँ पे देसी मुर्गी, डक, सब कुछ, सूखी मछली, और नींबू का टाइम है अभी तो नींबू बहुत मिल रहा है। तो बस हम लोगों का हो गया, अभी हम लोग घर वापस जाएंगे। तो देखिए ये ऑपोजिट साइड है, आने के टाइम पे जिस साइड का मैंने दिखाया था वीडियो आपको, ये उसका ऑपोजिट साइड का वीडियो है। इस साइड में भी बहुत सारे दुकान होते हैं ऐसे, मतलब दो तीन लाइन में होते हैं, एक साइड में एक ही लाइन नहीं होता है, दो तीन लाइन होता है, एक साइड में तीन तीन लाइन के तरफ से ऐसे होता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह और सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, जो असम में और कहीं गुवाहाटी में और कहीं पे और किसी मार्केट में नहीं मिलेगा ना, वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है मामा करना थोड़ा वीडियो। तो हम लोग बहुत धूप था अभी, तो हम लोग बस अभी घर निकल रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है हम लोगों को भी। तो ये देखिए बहुत बड़ा ही मार्केट है।
बाहर बहुत गर्मी था तो गोलू को पूरा गर्मी लग गई, पसीना हो गई, तो इसके लिए वो पीछे चली गई है, किसी के साथ नहीं बैठेगी, पीछे जाके अपना सोएगी और आइसक्रीम बोल रही है आइसक्रीम खाएगी। तो देखते हैं, अगर कहीं रुकेंगे हम लोग नहीं, अगर रोड साइड में कहीं होगा तो उसको बस दिला देंगे। और अभी लेट हो रहा है हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि लंच भी बनाना है, कोव फिश लिया है, कोव फिश बनाना है और बस राइस खाना है। ये कोव फिश का आलू डाल के मैंने झोलो बनाया है। तो 350 मतलब हाफ के जी लाए थे। यहाँ पे कोव फिश का अभी किलो चल रहा है 750, तो हाफ किलो हम लोग लेके आए थे। तीन बस फिश मैंने, गोटा फिश ही है ये, तो तीन पीस बनाया है और बाकी का फिश मैंने रखा हुआ है फ्रिज में फ्राई करके बाद में हम लोग। तो ये क्रैब है हम लोग जो लेके आए थे। तो पंकज चले गए हैं, उनका पार्टी है तो वो लोग डिनर बाहर ही करेंगे, तो बस गोलू और मैं हैं, हम दोनों ही खाएंगे। और पंकज जी इस क्रैब को पसंद भी नहीं करते, ये छोटा छोटा होता है ना, वो बड़ा बड़ा जो क्रैब होता है वो खाते हैं। तो बस इसको मैं तंदूरी मसाला डाल के ना अच्छे से मैरिनेट करके इसको तवे पे फ्राई करूँगी, नहीं तो पैन में फ्राई कर दूँगी। ये मैंने क्रैब को क्लीन कर लिया है और उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्ची और दही, नींबू का रस और एक चम्मच जो तंदूरी मसाला है वो डाल के अभी मैरिनेट कर रही हूँ। 15-20 मिनट छोड़ के मैं इसको कढ़ाई में बस फ्राई कर दूँगी तो ये बन जाएगा। बटर डाल के मैं इसको, जो क्रैब है उसको कढ़ाई में ही फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा सा स्लो हीट पे, पहले थोड़ा हाई हीट पे, उसके बाद थोड़ा सा स्लो हीट पे मैं इसको 5 मिनट चलाऊंगी। तो उसके बाद बस उसको ऐसे सूखा सूखा फ्राई कर लिया है मैंने। ये बनकर अभी बिल्कुल रेडी है और टेस्ट में बिल्कुल बड़े क्रैब जैसा लग रहा था और तंदूरी का स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था।